नमस्कार दोस्तों, टेक विश्व के एक फ्रेश एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करते हैं Redmi Note 10 सीरीज में जो सबसे बेस लेवल पे जो फ़ोन लॉन्च हुआ है उसके बारे में आज बात करते हैं। Redmi Note 10 यहाँ पे लॉन्च हो चुका है जिसका फर्स्ट सेल रहेगा 16 मार्च के आसपास और 4GB का वेरियंट आ रहा है 12,000 में और 6GB का वेरियंट यहाँ पे लॉन्च हो चुका है 13,999 रुपये में। तो इस तरीके से आने वाला ये Redmi Note 10 बहुत कुछ लेके आया है अपने साथ। सुपर एमोलेड स्क्रीन के साथ में आ रहा है ये और आप देख पा रहे हो किस तरीके से फ्रॉस्टेड ग्लास है बैक साइड में और आगे का पंच होल डिस्प्ले का कैमरा भी बहुत छोटा है। इसकी कुछ खूबियों की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 6.43 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 678 दिया गया है। 33 वाट का फास्ट चार्जिंग भी आपको दिया गया है जहाँ पे इन बॉक्स के अंदर ही आपको चार्जर मिलेगा और 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा मिलेगा जो सोनी से लिया गया है। तो इस तरीके से आने वाला ये जो है, आगे बात करते हैं, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स भी आपको इसमें देखने को मिल रहे हैं। 5000mAh का बैटरी दिया गया है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन भी दिया गया है फ्रंट में और जेड एक्सिस वाइब्रेशन मोटर भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ऐसी बहुत सारी खूबियों के साथ में आ रहा है। सुपर एमोलेड डिस्प्ले की पहले बात करते हैं तो यहाँ पे 6.43 इंच का डिस्प्ले आपको देखने को मिल रहा है, 16.33 सेंटीमीटर टू बी प्रिसाइज। और ये सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो है वो आपको अलाउ करेगा एक स्मूथ एक्सपीरियंस और इमर्सिव एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। कैमरा की बात करते तो यहाँ पे क्वाड कैमरा दिया गया है। 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, उसी के साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है जिसका फील्ड ऑफ व्यू 118 डिग्री तक है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और डेप्थ कैमरा यहाँ पे अवेलेबल है। तो इस तरीके से ये चार कैमरास यहाँ पे अवेलेबल है, आपको इतने कम प्राइस ब्रांड में भी यहाँ पे चार कैमरास देखने को मिल रहे हैं। सेल्फी कैमरा की बात करते हैं तो 13 मेगापिक्सल का इन डिस्प्ले सेल्फी कैमरा है जो 3.54mm का स्मॉलेस्ट डायमीटर में, टाइनी डायमीटर में पंच होल कैमरा की तरह दिया गया है जो आप देख पा रहे हो सामने से। ये आपके सारे सेल्फी नीड्स के लिए ये कैमरा काम में आएगा। इवॉल डिज़ाइन जिसकी हमने अभी बात की तो इवॉल डिज़ाइन में यहाँ पे फ्रॉस्टेड ग्लास बैक देखने को मिल रहा है जो मुझे लगता है एक हाईएस्ट प्रीमियम या मिड प्रीमियम सेगमेंट में ही अभी तक देखने को मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे पहली बार शाओमी ने इतने कम प्राइस ब्रैकेट में भी इवॉल डिज़ाइन के साथ में ये फ्रॉस्टेड ग्लास दिया है जिसमें कलर्स बहुत ही शानदार दिखते हैं और आप देख पा रहे हो किस तरीके से दिखता है। उसी के साथ में कर्व्ड एजेस और राउंडेड कॉर्नर्स की वजह से ये फ़ोन ग्रिप करने के लिए और ईजी हो जाता है। क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 678 यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये एक बेहतरीन प्रोसेसर यहाँ पे स्नैपड्रैगन की 600 सीरीज का लेटेस्ट जनरेशन प्रोसेसर है और इसके साथ ही आपको एड्रेनो का ग्राफिक्स सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है। एड्रेनो 612 यहाँ पे GPU प्रोवाइड किया गया जिसकी वजह से एक बहुत अच्छी तरीके से आपको गेमिंग एक्सपीरियंस भी आपको मिलेगा ये फ़ोन के ऊपर। तो मुझे लगता है प्राइस पॉइंट के हिसाब से अगर देखेंगे तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। शाओमी का यहाँ पे MIUI 12 आपको देखने को मिलेगा जो बेस्ट रहेगा एंड्रॉयड 11 के ऊपर। इसी के बीच में अगर आपने अभी तक मेरे टेक विश्व चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, ये फ़ोन जो भी बनाए हैं यहाँ पे ये बहुत ही थिन एंड लाइट फ़ोन बनाए हैं। 5000mAh का बैटरी होके भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 0.6mm का थिननेस दिया गया है और 20.2 ग्राम से ये लाइटर है देन Redmi Note 9। तो हर एक ब्रैकेट में यहाँ पे वेट और थिननेस कम किया गया है। बैटरी की बात करते हैं तो 5000mAh का बैटरी यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो मुझे लगता है आपको एक से डेढ़ दिन का एक पूरा चार्ज पूरा जूस साइकिल आपको प्रोवाइड करेगा। जो नॉर्मल यूज़र है जो ज़्यादा गेम्स वगैरह नहीं खेलते उन लोगों के लिए 2 दिन का बैटरी बैकअप ये फ़ोन आराम से प्रोवाइड कर पाएगा। फास्ट चार्जिंग का भी प्रोविजन किया गया है यहाँ पे तो 33 वाट का आपको इनबॉक्स में ही फास्ट चार्जर देखने को मिल रहा है। टाइप सी के चार्जर के साथ में आता ही है जिसकी वजह से आपका फ़ोन ऑलमोस्ट 70 मिनट्स के अंदर आपका पूरा फ़ोन चार्ज हो जाएगा। इमर्सिव साउंड एक्सपीरियंस भी यहाँ पे दिया गया है जिसकी वजह से आपको 2 फ्रंट फायरिंग स्पीकर्स देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पे फ्रंट फायरिंग स्पीकर्स की बात करते हैं तो दोनों भी स्पीकर जो है वो प्रॉपर फ्रंट फायरिंग स्पीकर्स है जो दोनों साइड में अलाइंड है। यहाँ पे स्पीकर बहुत ही अच्छे क्वालिटी के हैं विथ हाई रेंज साउंड। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से आपको फ़ोन अनलॉक करने के लिए और लॉक करने के लिए इजीली आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। उसी के साथ में सेम बटन में आपको डबल टैप करके आप ओके गूगल को भी इन्वोक कर सकते हो। जेड एक्सिस का वाइब्रेशन मोटर दिया गया है जिसकी वजह से एक हैप्टिक फीडबैक जो है वो फ़ोन में बहुत अच्छा रहेगा। ऑलमोस्ट 150 टाइप के पैटर्न से यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो या एक्सपीरियंस कर सकते हो डिफरेंट टास्क करते हुए आपके फ़ोन के ऊपर। आगे बात करते हैं, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन भी यहाँ पे दिया गया है जिसकी वजह से अनएक्सपेक्टेड फॉल्स एंड अनवांटेड स्क्रैचेस आपको नहीं मिलेंगे। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन जो है वो फ्रंट साइड में दिया गया है, पीछे का जो ग्लास है वो फ्रॉस्टेड ग्लास है लेकिन वो कॉर्निंग का है कि नहीं इसके बारे में Redmi ने कोई इनपुट बताया नहीं है।
3.5 mm का ऑडियो जैक यहाँ पे रिटेन किया गया है, जिसके वजह से आप आपका कन्वेंशनल हेडफोन इस्तेमाल करके भी आप यूज़ कर सकते हो। और Xiaomi का Redmi का हमेशा आने वाला IR ब्लास्टर भी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, जिसकी वजह से आप बहुत सारे एक्सेसरीज रिमोटली कंट्रोल कर सकते हो और Redmi का ऐप इस्तेमाल करते। 3+ कलर्स में आता है ये। एक्वा ग्रीन कलर आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो, एक्वा ग्रीन कलर भी इसका बहुत सटल लगा मुझे। तीनों भी कलर्स अच्छे देखने में। मिडनाइट शैडो ब्लैक भी कलर इसका अच्छा है। जिन लोगों को ज़्यादा फंकी कलर्स पसंद नहीं आते, उन लोगों के लिए शैडो ब्लैक कलर यहाँ पे अवेलेबल है। और थर्ड कलर की अगर हम बात करेंगे तो फ्रॉस्ट वाइट, ये भी कलर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे ग्लास डिज़ाइन है, तो फ्रॉस्टेड ग्लास डिज़ाइन है, जिसकी वजह से ये वाइट कलर भी आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हो। और Redmi ने यहाँ पे प्राउडली कमेंट किया है कि दिस इज़ अ मेक इन इंडिया फ़ोन, तो उसकी वजह से दीज फोन्स आर मेड इन इंडिया फॉर इंडियंस लाइक अस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे TechWisho यूट्यूब चैनल को। आपका हर एक लाइक, हर एक शेयर और हर एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करेगा ऐसे नए नए वीडियोज हर दिन बनाने के लिए। तो मैं मिलता हूँ आपको एक फ्रेश एपिसोड के साथ टुमारो, तब तक यू गाइज टेक केयर। द यूनिवर्स ऑफ इन्फाइनाइट टेक्नोलॉजी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि अगर 10,000 से 11,000 रुपये के आसपास अगर आपका बजट है, तो आपको ये फ़ोन लेने में आप इंटरेस्टेड हो क्या। ठीक है, थैंक यू।